तो सभी लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग व्यस्ती से कम 1 लाख रुपए महीने में पहुंचे। सभी लोग चाहते हैं। आज का जो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है इसका नाम क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे? हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा तेज बोले, किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। सभी चाहते हैं? अच्छा, अभी हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है क्या? नहीं है ना। सभी लोग चाहते हैं दिल से हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि कोई मकान बनाना है आपको, तो वो जो मकान है ऐसी समतल जमीन पे आप खड़ा करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? गिर जाएगा। एक मकान जो कई कई सालों तक खड़ा रहे, जो बहुत मजबूत बने, उसके लिए सबसे पहले किस चीज का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है? नीम का। जितनी गहरी होगी, जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग, उतनी बड़ी बनती है। ये सब कुछ आपको मालूम है? Yes. आप नेटवर्क बिजनेस में हो? Yes. आप लोगों के साथ डील करने वाले बिजनेस में हो? Yes. ये चीज आप सब लोगों को क्लियर है कि इस बिजनेस के अंदर बगैर नेटवर्क बनाए आप कामयाब नहीं हो सकते। क्लियर है सबको? Yes. अगर कोई इस गलतफहमी में बैठा है कि मैं बस चीज में आ गया हूँ, मैंने ज्वाइनिंग डाल दी है और ज्वाइनिंग डालने के बाद कुछ सामान हर महीने खरीदूंगा और मैं यहां से लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो इससे बड़ा धोखा देना खुद को इस दुनिया में हो नहीं सकता। तो सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर करनी है वो ये क्लियर करनी है कि नेटवर्क बिजनेस है। नेटवर्क बिजनेस का मतलब होता है नेटवर्क बनाना। बगैर नेटवर्क बनाए आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। पहली चीज समझने के लिए तैयार है? चलिए, दूसरी चीज, जिस तरीके से एक बिल्डिंग को मजबूत बनाने में सबसे बड़ा योगदान नींव का होता है, तो आपके बिजनेस में जहां से आपकी शुरुआत होती है, जहां से आपका नेटवर्क स्टार्ट होता है, उसमें जो नींव का काम करता है वो कौन करता है? कौन करता है? अपलाइन, डाउनलाइन। मैंने कहा जहां से आपकी शुरुआत होती है, कौन है? कौन है विनी जी? जोरदार ताली विनी जी के लिए। हम खुद ताली बजा दीजिए अपने लिए एक बार। और इस गलत फहमी से कई लोगों को कई साल लग जाएंगे निकलने में कि शायद अपलाइन की वजह से कामयाब हो जाऊंगा, शायद डाउनलाइन की वजह से कामयाब हो जाऊंगा। जिस तरीके से एक बिल्डिंग खड़ी होती है, नींव का मजबूत होना जरूरी है। हमारे इस कंपनी में अब आपने बोला, बहुत सारे लोगों ने, अपलाइन का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं वेस्टीज में बहुत सारे लोगों को दिखा सकता हूं, अपलाइन बहुत मजबूत है फिर भी वो काम नहीं करवा रहे। कुछ लोगों ने बोला डाउनलाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अपलाइन काम नहीं कर रहा, डाउनलाइन उनसे आगे निकल गई है और अपलाइन ने छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने शायद कंपनी बोला था, कंपनी तो बहुत मजबूत है फिर भी हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारी टीम में बहुत सारे लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दूसरे को मजबूत करने से पहले सबसे पहले हमें खुद को मजबूत करना है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? Yes. क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? Yes. क्योंकि यहाँ पे वो वाली ट्रेनिंग्स नहीं मिलेगी आपको कि मोटिवेशन दिया, किससे सुनाई, कहानी सुनाई, घर जाओ, हवा भर गई और बाहर जाके किसी ने पिन मारी और वो हवा। एक्चुअल में जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लोग क्राउन बनते हैं, उन्हीं पॉइंट्स में बात करूंगा। तो सबसे पहले किसको मजबूत बनना है, किसको स्ट्रांग बनना है, किसको बनना है? थोड़ा हाथ खोल लें। हमारे ग्रेट 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 अपलाइन में सिद्धार्थ सिंह जी पर जो होता ताली बजा दिया। वो एक बात बोलते हैं, अगर कोई इंसान इस तरीके से बैठा है तो उसने केवल हाथ नहीं बांधे हैं, उसने अपने माइंड को भी बांध लिया है। और वो यहां तक बताते हैं पैर भी ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए, हमेशा ऐसे अलर्ट होकर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर ये कर लिया तो समझो सब कुछ बंद गया, आपका इनकम भी बंद गई, सोच भी बंद गई, कुछ भी आपके दिमाग में जाएगा नहीं। तो जब तक ये सेशन चलेगा वो हाथ बांध के बैठने नहीं देते, हाथ खुले रख के बैठ सकते हैं? ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। तो सबसे पहले किसको स्ट्रॉन्ग होना है, किसको होना है? और एक चीज बता देता हूं, जो इस बिजनेस में जिसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक इंसान की तो औकात क्या, अगर भगवान भी ऊपर से उतर के आ जाए ना, उसको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। देखने से पहले सबसे पहले किसको देखना है? स्वयं को देखना है, अपने आप को देखना है कि आप अपने आप